शुक्र है कि हम सबको आज के इस मुकद्दस तारीख में भूली की नौजवान मिल्लत कमेटी द्वारा बनाया गया भगतजिया हर साल मुहर्रम के दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहता है। पिछले 5 वर्षों से लगातार इस तजिया को बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ तैयार किया जाता है। इसका खूबसूरती और भव्य निर्माण दूर दूर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। आपको बता दें कि यह तजिया न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि समुदाय की एकता और सहयोग का भी उदाहरण है। नौजवान मिल्लत कमेटी के सदस्यों ने इस तजिया को तैयार करने में अपनी कला, मेहनत और समर्पण का परिचय दिया है। हर साल इस तजिया की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस तजिया की विशेषता इसकी खूबसूरती और बारीकी से की गई सजावट का है, जो हर किसी का मन मोह लेती है। मुहर्रम के इस मौके पर भूली की सड़कों पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। शुक्र है कि हम सबको आज के इस मुकद्दस तारीख में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की याद में लगा दिया और उनकी मोहब्बत में कुछ खराज अकीदत पेश करने की हम सब ने सआदत हासिल किया है, जिसमें हमारे मोहतरम पेश हैं सूफी इनायत भाई, जिन्होंने 15 दिन से मेहनत किया है और जो मेहनत इनकी जो है सामने आपके सामने नज़र आ रही है। बेअली खलूस और जो है जोश अकीदत से इन्होंने काम किया है, मेहनत से काम लिया है। अल्लाह तबारक ताला इनकी मेहनतों को और हम तमाम के जो है शिरकतों को कबूल फरमाए और हम सबको बामुराद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुनिए है हेलो बोल रहे कि ये इमाम आली मकाम का जो पैगाम है वो मिल्लत की पैगाम है, इंसानियत की पैगाम है, मोहब्बत की पैगाम है। और ये इमाम आली मकाम ये मजहब इस्लाम के खातिर करबला में अपने और आल औलाद के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए आप शहीद हुए और आज जो है मजहब इस्लाम जो ज़िंदा है वो हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े से, उनकी जान निसारी के सदक़े से आज मजहब इस्लाम दुनिया में जो ज़िंदा है वो अब तक ज़िंदा है। ये ताजियादारी मैंने ये करीब 40 साल से मैं बनाता हूँ, आज नया मैं नहीं बना रहा हूँ, बचपन से करीब 10-12 की उम्र से ही मैं बनाता हूँ। ये कह लीजिए कि इमाम आली मकाम को मैंने दिल से चाहा तो आपने हमको साए में रखा और हर मुसीबत से भी बचाए रखा और अपना गुलाम बना के रखा, जो कि अब तक मैं खिदमत करता हूँ। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इनायत हुसैन इब्न मरहूम हिदायत अली, मैं ए ब्लॉक के रहने वाला हूँ। भूली में 5 साल से लगातार तजिया बचते हुए आ रहा है। आज हम लोग भूली में 25 घर है और 25 घर में ये तजिया बन रहा है और 500 का आबादी है, ऐसा तजिया नहीं बनता है। और हमारे जो भूली का नौजवान मिल्लत कमेटी का जो हमारा मेंबर है उसमें बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है और हौसला है और हमें उम्मीद है कि भूली में जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ये क्या रहेगा। और हमारे जो इनायत भाई हैं हमारे समझी भी हैं और जब से आए तब से 5 साल से तजिया बना रहे हैं और मतलब अपना ड्यूटी को छुट्टी लेकर 15 दिन का एकदम त्याग देकर और अपने काम को अंजाम देते हैं। और हमारे साथ उनके साथ 10 लड़का 3 रात लगा हुआ रहता है, ये 15 दिन से लगभग चल रहा है काम। इसमें 25 से 40 हज़ार रुपये खर्चा गिरा है और हमारे इनायत हुसैन का बहुत बड़ा योगदान है। प्रत्येक साल नौजवान कम्युनिटी के जो बंदे लोग हैं बहुत जोर शोर से इस पर काम करते हैं, आगे क्या योगदान रहेगा उन लोगों के लिए? हमें लग रहा है कि भूली में
जब तक रहेगा उनका योगदान रहेगा। अच्छा ही आपके जो कमेटी की तरफ से हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भूली में हम लोग का कोई मत भेद नहीं हिंदू मुस्लिम में, और हम लोग दुर्गा पूजा में भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो भी हम लोग पर लगाता है और अमन चैन का सुकून का चैन के लिए हम लोग दवा भी करते हैं, और हिंदू मुस्लिम हम लोग किसी तरह का भेद नहीं है। हम लोग का काम है, वो लोग आगे बढ़ता है और हम लोग भी उनका काम में आगे बढ़ते हैं। कल जो आप लोग जुलूस निकालेंगे, क्या अपील करेंगे हम लोगों से? मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि संदेश आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाएं, और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं भूली नौजवान मिलत कमेटी का सदर हूँ, मेरा नाम उस्मान हुआ।